गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर लर्निंग व्योम हिंदी व्याकरण कक्षा 4, पेज नंबर 38, लेसन नंबर 7, विशेषण एडजेक्टिव। रेशमा पपीता खाना चाहती है, ये आपको दिख रहे बहुत सा पपीते के पेड़ है और एक कौन है, रेशमा। पपीते के पेड़ पर पपीते लटके हैं, कुछ पीले पपीते हरे और छोटे है, वे कच्चे भी है। दो पपीते पके हैं और वे बड़े भी है, उनका रंग पीला हो गया है। रेशमा उनमें से एक पपीता तोड़ लाती है। ध्यान से पढ़ने पर आपको पपीतों की कई विशेषता के बारे में पता चल जाएगा, जैसे छोटे पपीते, बड़े पपीते। तो वो हमें क्या बताता है, पपीते का आकार, कि उसका आकार छोटा और बड़ा है। हरे पपीते, पीला पपीता, वो क्या बताता है, पपीता का रंग बताता है कि पपीते का रंग हरा और पीला होता है। कुछ पपीते, एक पपीता, दो पपीते, पपीते की संख्या बताते हैं, एक, दो और कुछ। कच्चे पपीते, पके पपीते, पपीते की दशा बताते कि वो कच्चे हैं या पके हैं। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के रूप, रंग, आकार, स्वभाव आदि की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहा जाता है। विशेषण शब्द जिस शब्द की विशेषता बताता है वह विशेष्य कहलाता है। जैसे हरा पपीता में हरा शब्द विशेषण है और पपीता विशेष्य है। विशेषण का काम संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताना है। कुछ विशेषण शब्द रंग, रूप, आकार, स्वाद, स्वभाव आदि के बारे में बताते हैं। जैसे सेब लाल है, इसमें हमें क्या बताया गया, उसका रंग बताया गया। काला कुत्ता भौंक रहा है, इमली खट्टी है। कुछ विशेषण शब्द माप, तोल, मात्रा या परिणाम, परिमाण के बारे में बताते हैं। जैसे 2 किलो चीनी दे दो, तो हमें क्या बताया गया, इसका माप बताया गया। थोड़े चावल, 1 लीटर दूध ले आओ। कुछ विशेषण शब्द संख्या के बारे में बताते हैं। जैसे 2 कौवे उड़ रहे हैं, वह चौथी कक्षा में पढ़ता है, उसने 10 रुपये लिए। तो ये क्या है, 10, 4 और 2 क्या है, संख्या बताता है। कुछ सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति भी कार्य करते हैं। ऐसा तब होता है जब वे संज्ञा शब्दों के साथ ठीक उनके पहले लगे हो और उन संज्ञा शब्दों की ओर संकेत कर रहे हो। जैसे यह आम का वृक्ष है, तो यह क्या है, सर्वनाम है। यह वृक्ष आम का है, यह विशेषण है क्योंकि यह वृक्ष की ओर संकेत कर रहा है। इस तरह अब तक जिन विशेषण शब्दों के बारे में आपने पढ़ा, वे विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, संख्या, मात्रा आदि का बोध कराते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो देखिए, गुणवाचक विशेषण में कौन से शब्द आते हैं, जैसे अच्छा, बुरा, आलसी, छोटा, मोटा, पतला, लंबा, सुंदर, लाल, काला, चतुर, मूर्ख, अमीर, गरीब, खट्टा, मीठा, नया, पुराना, भारतीय, विदेशी, पापी, झगड़ालू, चमकीला। अगर कोई इस सेंटेंस में शब्द आए तो हमें, अगर विशेषण पहचानने को कहा तो हमें, अगर कोई भी शब्द आया तो हम क्या बोलेंगे, ये गुणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण, 5 लीटर, 4 लीटर, 2 किलो, 100 ग्राम, थोड़ा, कुछ, अधिक, ये क्या है, परिमाण बताते हैं। संख्यावाचक विशेषण, 1, 2, 10, 20, पहला, चौथा, ये क्या बताता है, हमें संख्या बताता है। सार्वनामिक विशेषण, यह, वह, यही, वही, इस, उस। विशेषण के इन भेदों के बारे में आप अगली कक्षाओं में विस्तृत से पढ़ेंगे। इसमें हमने देखा कि विशेषण के बारे में बताया गया है।